दोस्तों बैंक निफ्टी ने आज जबरदस्त मूवमेंट दिया। 5 मिनट बाद मैं आपको पहले बोला था ना, 5 मिनट कैंडल के बाद 5 मिनट कैंडल में मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। 5 मिनट के बाद जिस साइड भी ब्रेक करता है मैं एंट्री लेता हूँ। जब ये यहाँ से इसको ब्रेक किया, रेड कैंडल बना, इसको ब्रेक किया, मैं तुरंत एंट्री लिया। मैं इसका स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर था, कि इससे ऊपर जाता तो मैं एग्जिट हो जाता। और बहुत ही फास्ट मूवमेंट हुआ, इजिली मेरा 320 में मैं प्रीमियम बाई किया था और 360 तक एंट्री लिया, वहां 360 तक हो गया। मतलब 140 पॉइंट मुझे इतना ही में दे दिया, 140 पॉइंट। यह मैं अगर इसको यहां जब भी 5 मिनट क्लोज हुआ कैंडल, इसके बाद मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हो गया था कि अगर उससे ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन इसको भी ब्रेक किया यहां से, फिर अगेन मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देखा, HDFC, ICICI बैंक और इधर SBI बैंक और एक्सिस बैंक। तो HDFC तो अभी भी बेरिश है, लेकिन ICICI बैंक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और ऊपर जा ही रहा है, और इधर SBI बैंक भी ऊपर जा रहा है। इसका सपोर्ट में तो दो बैंक नीचे अभी जा रहा है, कौन से, एक्सिस बैंक और HDFC। तो मैं फिर अगेन मैं जब ये देखा ये दो ऊपर जा, सब चारों एक साथ पे स्टार्टिंग में नीचे जा रहा था, इसलिए मैं नीचे कॉल किया। अभी ऊपर जा रहा है तो मैं तुरंत यहाँ पे एग्जिट हो गया। जब ये ऊपर इसको ब्रेक करने लगा, मैं देखा HDFC ऊपर जा रहा है, ICICI बैंक ऊपर जा रहा, तो मैं एग्जिट हो गया। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका मेरा इजिली पॉइंट मिल गया आज। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी प्रॉफिट हुआ होगा।